हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है माय इंग्लिश डॉक्टर स्टूडियो चैनल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स में वॉइस्ड साउंड्स कौन से होते हैं, आज ही हम बात करने वाले हैं। हमने पिछले सेशन में अनवॉइस्ड साउंड्स कौन से होते हैं वो जाना। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इस यूट्यूब चैनल पहली बार हैं तो आप पिछले कुछ वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। हम लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर हम अपने जो ध्वनियां हैं, जो साउंड्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो यस, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में भी आपको बताया गया है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो 24 होते हैं। उनमें से 9 साउंड्स होते हैं अनवॉइस्ड, मीन्स वॉइसलेस, और 15 होते हैं कि कौन से, वॉइस्ड। तो ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की तो वॉइस एंड अनवॉइस दो कैटेगरी बनती हैं। तो वॉइस की बात कर लेते हैं। वॉइस का मतलब क्या है? जब ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो होता क्या है, हमारा जो वोकल कोड है वो वाइब्रेट करता है, उसमें कंपन होता है, इसी वजह से इन साउंड्स का नाम होता है वॉइस साउंड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा साउंड है। इंग्लिश में डी, हिंदी में डे होता है। आप बोल के देखें, डी डे। मैंने हमें तीन कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम में लिखा गया है आईपीए ने जो सिंबल दिए हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, अल्फाबेट एसोसिएशन जो है उसने जो सिंबल दिए हैं सभी साउंड्स के लिए, तो यहाँ पर वो सिंबल है उसके हिंदी के जो पर्टिकुलर व्यंजन के साथ। और दूसरे कॉलम में हमने उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन लिखा हुआ है, यानी कि हर साउंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक स्थान से, एक किसी आर्टिकुलेटरी ऑर्गन से वो प्रोड्यूस होती है, इसलिए जो उसका नाम उसको दिया जाता है, तो वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। और थर्ड कॉलम में कुछ एक दो हमने वर्ड दिए हैं ताकि हम उस शब्द को, उस पर्टिकुलर साउंड को समझ पाए किसी वर्ड में कि कैसे उसको वहां पे प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो डी डे। अब देखिए, ये अगर पार्ट ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करें तो जब आप बोल के देखते हैं डी या डे, तो हमारा जो टंग है उसका सामने वाला हिस्सा टिप, इसे हम फोर पार्ट कहते हैं, ये हमारे अपर टीथ को टच करता है। That is why इसका जो part of articulation क्या है, four lingual. Lingual is used for tongue and as the front part or the top part of the tongue is it is used to produce this sound. That is why it is named as four lingual. ठीक है, example हमारे सामने है जैसे dog, dustbin. Second देखते हैं b. अब ये b हिंदी में b होता है, हम बोलते हैं b b. दोनों lips आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, this is by लेबियल। लेबियल शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, लिप्स के लिए। सो दो लिप्स मिल रहे हैं, साउंड आता है, दैट इज व्हाई बाय लेबियल इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हुआ। और एग्जांपल हमारे सामने बॉय, ठीक है, बॉक्स, बुक, कैब, ये आपको देखो जो रेड पेन से मैंने अंडरलाइन कर रखे ये वो साउंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिंदी में गय, इंग्लिश में ये जी से बनता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये गय, ये बैक लिंगुअल है। आप बोल के देखो गय, हमारे जो जीभ है उसका लास्ट वाला, पीछे वाला, बैक वाला हिस्सा थोड़ा उठता है और अपर जो पैलेट है उसको थोड़ा टच करने की कोशिश करता है, वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज बैक लिंगुअल। इसका पार्ट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या हुआ, बैक लिंगुअल। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है गौ, फॉग, जग। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको नजर आ रहा है कि तीन तरह के जय यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक ये भी जय है, हैं? अब ये कौन सा है, ये कौन सा है, कौन सा, तीनों में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो हमें समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं ये, इसके लिए हमारा जो है फोनेटिक सिंबल आपके सामने है, ये लिखने में कुछ ऐसा दिखाया जाता है हिंदी में। और ये क्या है, हम बोल के देखेंगे इसको, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें। ये मैंने दो शब्द लिखे हुए यहाँ पे, एक शब्द पहला है दिस इज, क्या है ये, विजन। इसका मतलब क्या हुआ, इनके ये जो एस है यहाँ पे, ये एस कौन सी साउंड दे रहा है, ये वाली, और ये कैसी है, ऐसे यहाँ पे वाला वर्ड है क्या, प्लेजर, है ना, यहाँ भी एस है वो सेम साउंड दे रहा है, यानी कि ये जो वाला, ये वाला जो है ये जे है। इसका मतलब क्या है, जब हमारी टिंग का, हमारी जो टंग है उसका जो सामने वाला हिस्सा है, जो टिप है इसकी, जब ये ऊपर की तरफ, ऊपर वाले जो दांत हैं, ठीक है, उसमें ऊपर की तरफ अगर जाए, ठीक है, तो ये कौन सी साउंड आएगी, ये वाली आएगी, जे, दिस इज जे, विजन, प्लेजर। ठीक है, अगला देखिए, आप इसको कैपिटल जेड से इसको दर्शाते हैं, कुछ ऐसा लिखा होता है हिंदी में। ये देखिए, ये क्या है, फोर लिंगुअल, क्योंकि ये टिप ऑफ टंग क्या कर रही है, हमारे अपर टीथ को टच कर रही है। अब इनमें तो अपर टीथ को ऊपर की तरफ जाके टच करती है, इनमें क्या करती है, नीचे की तरफ, ठीक है। व्हेन द टिप ऑफ टंग
goes down just to touch the front teeth. Okay, then the sound created is called, that is what, four lingual again. लेकिन वो कौन सी है, ये वाला जो आप कैपिटल जेड दिखाते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जू, देखिए जू, जब जू बोलते हैं तो आपकी टंग का टिप थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, ठीक है. जिप, जीब्रा, है ना, इन सब में आपको देखिए ये है ज, ये है ज. नेक्स्ट आते हैं थर्ड, ये क्या है, ये भी देखिए, ये सिंपल वाला जो बोलते हैं सीधा जय जय जय, ठीक है. विजन, ज, ये ज, और ये सिंपल जय जय, जैसे जग, जंगल, ठीक है, जर्नी. तो सिंपल सीधा वाला जय, ये कब क्या होगा, जब इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है प्रोबेबली, तो टिप ऑफ टंग है वो क्या करेगा, न तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट सामने टच करेगा, ठीक है. ये तीनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है, अब जो आपको पता होना चाहिए, वरना आप तीनों को जैसा ही बोलेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट यहाँ पे जाकर के, प्रोबेबली जब हम बात करते हैं लैंग्वेज को अच्छे से बोलने की, तो यहाँ पे जाके हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं. यहाँ ये सब स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं बोल पाते, जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा समझेगा, वो अच्छे से बोल पाएगा, अच्छे से इन सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा. वरना सब अब यहाँ भी आप विजन बोल रहे हो, जू बोल रहे, एक ही बात है, नहीं, दिस इज विजन, दिस इज विजन एंड दिस इज जू, फर्क है, ठीक है, दिस इज जंगल. नेक्स्ट इज आते हैं हम, देखिए वी और डब्ल्यू, ये दो हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं, इनके सेम वही सिंबल दे रखे हैं, दोनों से वे बनता है, लेकिन फर्क क्या है, वी से बनने वाला क्या होता है वे. देखिए जब हम वी को प्रोनाउंस करते हैं तो ध्यान रखें, हमारे जो अपर टीथ हैं वो लोअर लिप के ऊपर आके क्या करते हैं, टेस्ट करते, देखो वी वी वी. और जब हम बोलते हैं ये वाला, ये क्या है, डब्ल्यू, दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, गोल हो जाते हैं, डब्ल्यू. तो है तो दोनों वे हिंदी में, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन और पार्ट ऑफ आर्टिकल इसमें फर्क है. जब हम इसकी बात करते हैं वी की, तो देखिए अपर टीथ लोअर लिप, इसका मतलब टीथ भी शामिल है, लिप भी शामिल है, तो नाम बड़ा, नाम क्या बना इसका, लेबियो डेंटल, डेंटल यूज करता है टीथ के लिए और लिप के लिए, है ना, क्या बताया, लिप के लिए लेबियो बताया गया था, दैट इज वाई लेबियो डेंटल. एग्जाम्पल आपके सामने देखो, यहाँ पे ये शब्द वी, वी ई आर वाई, ये वेरी नहीं होता, दिस इज वेरी, वेरी, ठीक है, वी है, सो वेरी, दिस इज आपको ये W है, तो W होंठ गोल रहेंगे, ये क्या है, दोनों होंठ मिल रहे हैं, आवाज निकल रही है, इसका दो होंठ आ रहे हैं, तो क्या बन गया, बाई, बोलिए bilabial, ठीक है, दिस इज bilabial. आपके सामने है एग्जाम्पल was, ठीक है, waste, ठीक है, इस तरीके से कई सारे और भी वर्ड आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट देख लेते स्टूडेंट्स, देखिए नया होता है हिंदी में एन जैसा, ये आपके पास सिंबल है, आपको इसका पार्ट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या रहेगा, जरा कोशिश करिए आप न बोलिए, न या एन, तो आप देख पा रहे हैं कि टिप ऑफ टंग टच कर रही है आपके टीथ को, दैट इज वाई क्या हो गया, ये फोर लिंगुअल, ठीक है. आपके सामने शब्द हैं नाउ एंड बर्न, न, ठीक है. अगला है एम या मैं बोल के देख लीजिए, मैं, दोनों होंठ इकट्ठे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बाई लेबियल, बाई लेबियल. एग्जाम्पल मिल्क एंड ट्रिम. नेक्स्ट है देखो ले, एल जैसा ही सिंपल है इसका, ले बोल के देखिए, ले, वही आपका टिप ऑफ टंग कहां टच कर रहा है, आपके सामने टीथ पे, अपर टीथ पे, तो क्या हो गया, फॉर लिंगुअल, फॉर लिंगुअल. एग्जाम्पल लिव एंड लॉन्ग. नेक्स्ट इज देखो आर, रे के लिए होता है, अब रे बोलो या आर बोलो, रे, वही टिप ऑफ टंग किसको टच कर रहा है, आपके फ्रंट टीथ को, अपर टीथ को, तो क्या हो गया, फोर लिंगुअल अगेन. एग्जाम्पल वीट एंड रेस्ट. नेक्स्ट क्या देखिए, ये अंग होता है हिंदी में, अंग सिंबल इसका देखिए ये है, इसको यूज किया जाता है एन और जी जब इकट्ठे होते हैं तो वो साउंड होती है अंग की. देखिए अब बोल के देखिए, अंग क्या मतलब हो गया, अंग इसका मतलब क्या हो रहा, आपके जो टंग है उसका बैक वाला हिस्सा यूज किया जा रहा है, बैक वाले हिस्से से प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या नाम देंगे इसको, बैक लिंगुअल. एग्जाम्पल आपके सामने है सिंग, स्ट्रिंग, रिंग, ब्रिंग, है ना, हैंग. नेक्स्ट है देखिए, ये जो जो है जे जैसा जो सिंबल नजर आ रहा है, इसके लिए हिंदी में ये होता है, इसमें ये वाई का सिंबल है, इंग्लिश में वाई, तो वाई से क्या बनता है, ये. अब ये देखिए क्या है, बोले देखिए ये या वाई, तो आपको पता चल रहा है ये इसका मतलब, देखिए कहां से निकल रही है ध्वनि, आपकी जो टंग है उसके मिडिल से, उसके बिल्कुल मिडिल से ये ध्वनि निकल रही है. आप ट्राई प्रैक्टिस करते आपको पता चलने वाला है, इसका नाम हो जाएगा मिडिल को बोलते हैं मीडियो, तो दिस इज मीडियो, मीडियो लिंगुअल. एंड एग्जाम्पल आपके सामने है येस एंड येलो, ठीक है. और लास्ट स्टूडेंट्स, दिस इज वॉट, ये दे होता है ना, दे. अब
बोलते हैं द, द यानी कि जो हमारा टिप ऑफ टंग है फिर से ये अपर टीथ को टच कर रहा, तो क्या है ये फोर लिंगुअल है ना, ये यूज किया जाता है टी एच की साउंड के लिए, और हर जगह टी एच द नहीं होता, कहीं कहीं बहुत सारी जगह वो थ भी होता है, जैसे हम कल पढ़ रहे थे अनवॉइस्ड के अंदर, वॉइसलेस के अंदर हमने थीटा को बढ़ाता वो थे था, ठीक है, यहाँ पे टी एच द है, द तो द के लिए द बोला हमने, ये फोर लिंगुअल है, एग्जाम्पल आपके सामने है दिस द है ना। तो इस तरीके से अगर आप इन सभी साउंड्स को प्रैक्टिस करेंगे, ये संख्या में 15 है हमारे स्टूडेंट्स, तो आप अगर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से जबान पर सेट हो जाएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्रोनंसिएशन वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा, आप इंग्लिश बोलेंगे तो अच्छी बोलेंगे, ठीक है, जो कि बेहद जरूरी है। तो इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जबान पे आएंगे, काफी फायदा होने वाला है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।